बहुत ज़्यादा खुश हूँ. पहला एल्बम था मेरा और दीपक का दोनों का टुगेदर एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है सबका और आई एम सो थैंकफुल. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टू जो मैंने ट्रेलर देखा है हमने वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पिक्चर. इवन दो मैंने सॉन्ग्स जितने भी सॉन्ग है लाइक हमें तुमसे प्यार कितना अच्छा अमेजिंग सॉन्ग आवाज़ श्रेया घोषाल की अमेजिंग के वी आई एम श्योर ही किल्ड इट. तो आई एम सो सो एक्साइटेड टू वॉच द मूवी. अभी जाके पता चलेगा. और ट्रेलर धमाकेदार लगा बहुत ज़्यादा. यू नो थ्रिलर सस्पेंस सब दिख रहा है इसके अंदर और आई एम सो एक्साइटेड टू सी डिफरेंट रेस्ट ऑफ द मूवी से क्योंकि इसमें जो 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 के वी प्ले कर रहे रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है वजह से मुझे बहुत लग रहा है कि क्या आएगा कौन सा स्टोरी है. एंड प्रिया बनर्जी एंड के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. सॉरी एज इफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली ऑफर आया है एक दो लेकिन उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा हमें. तो कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली कुछ बेस्ट प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है तो वी विल वर्क फॉर इट फॉर श्योर. एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी वो उनकी अपनी सबकी अपनी लाइफ जीने का एक तरीका होता है एक अपना स्टाइल होता है उनको उनकी सोच अलग होती है. तो उनकी सोच के हिसाब से अगर उनको लगा कि जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो उनको वो लगा था कि अच्छा है उनके लिए. अब इनको उनको एक चॉइस लिया है उन्होंने कि उनको नहीं करना है. सो इट्स कम्प्लीटली हर चॉइस. आना भी जाना भी उनका पर्सनल चॉइस है. तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है. जैसे हमारी पर्सनल चॉइस थी हम किसी और इंडस्ट्री में थे अब हम इधर आए तो और रही बात इस्लाम को फॉलो करना तो हम नमाज पढ़ते हैं रोज़े रखते हैं और साथ में अपना करियर भी परस्यू कर रहे हैं. इट्स वेरी नाइस. शो में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया है सत्य भामा का. इट्स अ वेरी वेरी सास बहू सीरियल. बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शो के लिए. तो यस आप लोगों को देख के एंड आई एम श्योर आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर योर न्यू शो. यू आर लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी एंड डेफिनेटली यू विल रॉक इट. थैंक यू. या एक्चुअली साथ में काम कर चुके किसी भी गर्ल का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती है पर उनका इंटेंशन वैसा नहीं था. और रही बात जसलीन की तो उन्होंने भी बहुत कुछ बहुत बोल रखा है अब शब्द. तो आई थिंक जसलीन जो दीपक ने किया वो चीज़ उसके लिए उसने माफ़ी मांगी एंड आई मस्ट टेल. मैंने खुद दीपक से बोला था बात हुई थी हमारी तो मुझे लगता है कि वो उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे थे. दीपक खुद सॉरी फील कर पर मुझे लगता है कि एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी. जसली ने बहुत ही अपशब्द निकाले थे जब मैं घर के अंदर थी और वो घर के बाहर थी. वो मेरे कैरेक्टर पे मेरी फैमिली मेरे फैंस बहुत कुछ बोला बहुत कुछ. सो पहले उनको माफ़ी मांगनी चाहिए. बींग अ गर्ल अगर उनको ये चीज़ बुरी लगी कि एक लड़की होकर उनको ये चीज़ बोला गया बट मैं भी एक लड़की हूँ. मैं घर के अंदर थे बिग बॉस के घर के अंदर खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती थी और उन्हें काफ़ी वाहियात बातें बोली. तो आई रियली होप जसलीन पहले आप उससे माफ़ी मांगी और तब आप दूसरों से माफ़ी की उम्मीद करिए. बिग बॉस एक घर के अंदर होती है पर वो इवेक्शन के बाद बाहर आ रहा थी व्हेन शी इवेक्टेड. सो मैंने उनको तभी जाते वक्त एक हक दिया और प्यार से बाय बोला और कहा जो होता है वो घर के अंदर होता है पर घर के आने के बाद इतना गंद निकालना आई एम सो सॉरी जसलीन आपको ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए. और आई थिंक अभी यू नो बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे. हम केवी की मूवी देखने आए तो हम कुछ उसके बारे में बात करते हैं और रियली अब हमको भी बिग बॉस से आगे बढ़ना चाहिए. बहुत नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम सो उसके बारे में सोचना बोलना चाहेंगे. जो बीत गया वो कल है. बिग बॉस ख़त्म हो चुका है कुछ नया अभी बिग बॉस 13 आ रहा है उनसे उसकी तैयारी करिए. कौन अनूप जी
सलमान खान की, मैं सलमान खान के लिए गई जाना चाहूँगी होने के शो के अंदर, तो उसके उनके अलावा किसके साथ किसी? हाँ, ऑलवेज ऑल टाइम फेवरेट वन एंड ओनली सलमान सर. थैंक यू, गुड लक टू केवी.